my dear friends, and a very warm welcome to this session of my English class. My name is Mansi, and today the chapter that we are going to read is Virtue Pays. आज का जो chapter है जिसका शीर्षक है Virtue Pays, इसका मतलब है सद्गुण, जो अच्छे हमारे जो गुण होते हैं वो हमेशा पे करते हैं, यानी कि वो हमें फल देते हैं। हम अगर अच्छा काम करेंगे, अच्छी चीजें करेंगे अपने लाइफ में, तो वो कहीं ना कहीं जाके हमको अवश्य फल देती है। सो वर्च्यू पेज, आइए पढ़ते हैं स्टोरी। लेसन नंबर 13, वर्च्यू पेज। सो वी कैन सी सम क्वेश्चंस रिटन हियर। यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिख रहे हैं, आइए सबसे पहले हम इनको सॉल्व करते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट द महाभारत। महाभारत तो बच्चों आपने जरूर देखी होगी, टीवी में सीरियल आते थे हमारे पहले भी, अभी भी आते हैं कई चैनल्स पे। तो महाभारत आपने देखी होगी जरूर, बहुत ही लोकप्रिय फेमस कहानियां हैं इसमें। भगवान श्री कृष्ण, कौरव, पांडव, तो उनसे रिलेटेड कितनी सारी स्टोरीज हैं। तो व्हाट डू यू नो अबाउट द महाभारत, महाभारत के बारे में आप क्या जानते हैं? तो देखिए, ऐसा आंसर आप लिख सकते हैं, महाभारत इज एन एंशियंट इंडियन एपिक वेयर द स्टोरी अबाउट टू ब्रांचेस ऑफ अ फैमिली, द पांडवास एंड द कौरवास इज नरेटेड। तो इसका मतलब क्या हुआ, महाभारत एक एंशियंट यानी कि हमारी ऐतिहासिक पौराणिक जो है भारतीय ग्रंथ है, जहां पे क्या है, एक कहानी है एक फैमिली, एक परिवार की दो शाखाओं के बारे में, यानी कि जैसे होता है चचेरे भाइयों की कहानी ही हमको पता है, पांडव और कौरव, तो वो इसमें बताई गई है, पांडव और कौरव की कहानी है महाभारत। सेकेंड क्वेश्चन है, वेयर वर द पांडवास गिवन एक्साइल, पांडवों को एक्साइल यानी कि वनवास, वनवास क्यों दिया गया था, व्हाई वर द पांडवास गिवन एक्साइल, उनको क्यों वनवास दिया गया। तो इसका आंसर देखिए, व्हेन पांडवास लॉस्ट ऑल देयर एम्पायर बिलोंगिंग्स अलोंग विद द्रौपदी इन द डिसीटफुल गेम ऑफ गैम्बलिंग, कौरवास इम्पोज्ड अ 12 ईयर एक्साइल फॉलोड बाय अ ईयर ऑफ एनोमिटी एनोनिमिटी ऑन द पांडवास, सो दे हैड टू प्रोसीड ऑन एक्साइल। इसका मतलब क्या हुआ समझते हैं, when Pandavas lost all their empire belongings along with Draupadi in the deceitful game of gambling, तो gambling यानी कि जुआ, तो जब जुआ खेला गया और जिस उसमें जब हमारे जो पांडव थे उन्होंने अपना सब कुछ, राजपाट, धन दौलत, और ये इसके साथ ही अपनी जो उनकी जो बीवी थी द्रौपदी, उसको भी हार दिया है ना, तो उसके बाद क्या हुआ, कौरवास इम्पोज्ड 12 ईयर एग्जाइल, तो कौरवों ने उनके ऊपर एक 12 साल का वनवास उनके ऊपर थोपा, फॉलोड बाय अ ईयर ऑफ एनोनिमिटी ऑन द पांडवास, और उसके साथ ही 12 साल का वनवास और साथ में एक साल का अज्ञातवास जिसको बोलते हैं, यानी कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि वो कहाँ पे है, तो वो पांडवों के ऊपर थोपा गया। सो दे हैड टू प्रोसीड ऑन एक्साइल, इसलिए उनको इस एक्साइल पे, इस वनवास पे जाना पड़ा। तो ये जो गेम था, गैम्बलिंग का जो जुआ खेला गया था, वो बहुत ही जो है चालाकी से और उनको हराने के लिए उस हिसाब से खेला गया था। What difficulties did they face when they were in exile? जब ये लोग वनवास में थे पांडव, तो उन्होंने किन दिक्कतों का, किन मुश्किलों का सामना किया था वनवास के समय? तो देखिए आंसर, ड्यूरिंग एक्साइल पांडवास एंटर्ड द डेंस फॉरेस्ट अबाउंडेड विद वाइल्ड एनिमल्स एंड रेप्टाइल्स, दे हैड टू फेस फेरोशियस डेमन्स, at times they could not find shelter, food and even the water to quench their thirst. So during exile, yani ki vanvas ke dauran, pandavas entered the dense forest. To pandavon ne kya kiya, bahut hi ghane janglon mein wo gaye, ghane janglon ke andar wo jo hai ghumte the, abounded with wild animals and reptiles, jisme ki बहुतायत में बहुत सारे जंगली जानवर और जो रेप्टाइल्स होते हैं, जैसे कि सांप, बिच्छू और इस तरह के कई सारे जो रेप्टाइल्स है, वो सब थे। दे हैड टू फेस फेरोशियस डेमन्स, उनको बहुत ही भयानक राक्षसों का भी इवन सामना करना पड़ता। एट टाइम्स दे कुड नॉट फाइंड शेल्टर, फूड एंड इवन द वॉटर टू क्वेंच देयर थर्स्ट, ऐसा समय भी होता था जब उनको जो है रहने के लिए छत नहीं मिलती, शेल्टर नहीं मिलता, खाना नहीं मिलता और इवन पानी भी नहीं मिलता था जिससे कि वो अपनी प्यास बुझा सके। तो ऐसा उनका जीवन था जब वो वनवास में थे। तो बच्चों, ये तो हमारे क्वेश्चन आंसर्स हुए, आइए अब हम चैप्टर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आज का किस्सा है हमारा,
अगर आप में से कुछ बच्चों ने शायद जानते भी हो, हमारे यक्ष प्रश्न जो थे, यक्ष का जो एपिसोड है हमारे महाभारत में, वो इसमें लिया गया है। तो ये पढ़ते हैं। वंस व्हेन द पांडवास वर वंडरिंग इन द फॉरेस्ट दे फेल्ट वेरी थर्स्टी। एक बार जब पांडव अपने जो जंगल में इधर उधर घूम रहे थे, उनको बहुत ज्यादा प्यास लगी। बट नो वेयर कुड दे फाइंड वॉटर, पर उन्हें पानी कहीं नहीं मिला। दे बिगेन टू फील दैट दे वुड डाई ऑफ थर्स्ट। उनको ऐसा लगने लगा, ऐसा महसूस होने लगा कि वो प्यास से मर जाएंगे। द एल्डेस्ट ब्रदर युधिष्ठिर, अ मैन ऑफ ट्रूथ, देन सेड टू हिज हाफ ब्रदर नकुल। तो जो उनके सबसे बड़े भाई थे युधिष्ठिर, अ मैन ऑफ ट्रूथ, जो कि एक सच्चाई की मूरत थे, है ना, बहुत ही सच्चे व्यक्ति थे वो, देन सेड टू हिज हाफ ब्रदर नकुल। तो उन्होंने अपने हाफ ब्रदर यानी कि जो सौतेले भाई थे, है ना, तो इन दोनों की माएं अलग थी, तो वो उनके जो हाफ ब्रदर था नकुल, उससे बोला, ओ नकुल सन ऑफ माद्री, क्लाइम दैट ट्री एंड लुक ऑल ओवर द फॉरेस्ट एंड सी इफ देयर इज सम वाटर नियर बाय, लुक इफ देयर आर ट्रीज बर्ड्स और प्लांट्स फॉर दे आर श्योर साइंस ऑफ वाटर। तो उन्होंने नकुल से कहा कि ये नकुल सन ऑफ माद्री, माद्री के बेटे, यानी कि नकुल जो है वो माद्री का बेटा था, और ये जो बाकी चारों थे ये कुंती के पुत्र थे। सन ऑफ माद्री, क्लाइम दैट ट्री, उस पेड़ पर चढ़ जाओ, एंड लुक ऑल ओवर द फॉरेस्ट, और पूरे जंगल में देखो, एंड सी इफ देयर इज सम वाटर नियर बाय, और देखो कि अगर कुछ कोई कहीं पानी तुम्हें दिखे आसपास। लुक इफ देयर आर ट्रीज बर्ड्स और प्लांट्स, देखो अगर तुम्हें कहीं आसपास पेड़ या फिर चिड़िया पक्षी या फिर प्लांट्स पौधे दिखते हैं, फॉर दे आर श्योर साइंस ऑफ वाटर, क्योंकि ये सब जो है पानी के निशान है। अगर यहाँ पे कहीं जो है बर्ड्स हुए, एनिमल्स हुए, है ना, पेड़ पौधे हैं, तो मतलब वहां पे पानी है। तो आप देख सकते हैं इस पिक्चर में भी ये चार पांडव नीचे खड़े और एक जो है नकुल वो ऊपर चढ़ के देख रहा है कि कहीं पे पानी हो। तो नेक्स्ट, नकुल क्लाइम द ट्री एंड सॉ सम प्लांट्स एंड ग्रीनरी एट अ डिस्टेंस। तो नकुल ने पेड़ चढ़ा, नकुल पेड़ चढ़ा और उसने थोड़ी दूरी पर देखा कि थोड़ी दूरी पर थोड़े से पौधे हैं और हरियाली छाई हुई है। इट अपीयर्ड एज इफ देयर वाज अ पूल। तो उसने कहा कि ऐसा लग रहा है कि वहां पे पूल है, यानी कि जो तालाब होता है वो। देन नकुल सेड युधिष्ठिर एंड ब्रिंग सम वाटर फॉर योर ब्रदर्स। तो युधिष्ठिर ने कहा तो फिर जाओ नकुल और अपने भाइयों के लिए थोड़ा पानी लेकर आओ। नकुल सेट आउट टूवर्ड्स द प्लेस एंड केम अक्रॉस अ पूल ऑफ क्लीन वाटर। तो नकुल उस जगह से जहां पे वो था वहां से उस जगह के लिए निकला जहां पानी था, पूल ऑफ क्लीन वाटर, साफ पानी का एक पूल था, तालाब था। No sooner did he bend to drink the water than a strong voice cried. अब जैसे ही वो पानी पीने के लिए नीचे झुका, एक आवाज, एक तेज आवाज आई वहां से, Stop! Do not drink the water till you have obeyed the laws of this pool. तो उस आवाज ने क्या कहा कि रुक जाओ, Do not drink the water, पानी मत पीना जब तक, till you have obeyed the laws of the pool, of this pool, जब तक तुम इस तालाब के पानी का, तालाब का जो है आज्ञा नहीं मानोगे, तालाब का कानून है उसको ओबे नहीं करोगे, तब तक ये पानी मत पीना। नो वन कैन ड्रिंक इट्स वाटर टिल ही हैज आंसर्ड द क्वेश्चंस आई आस्क। तो वो कहता है, जो आवाज आती है वो कहते हैं कि ये पानी कोई भी नहीं पी सकता तब तक जब तक कि वो मेरे सवालों का जवाब ना दे दे। इफ यू टेक इवन अ ड्रॉप ऑफ वाटर बिफोर दिस यू मे डाई एट वंस। तो वो उसको चेतावनी देता है और कहता है कि अगर तुमने जो है एक बूंद भी पानी की पी मेरे सवालों के जवाब दिए बिना, तो तुम उसी समय मर जाओ, यू मे डाई एट वंस, तुम उसी समय मर सकते हो, ऐसा उसको चेतावनी दी। देखिए ये जो है नकुल यहाँ पानी पीने जा रहा है और एक आवाज आती है स्टॉप करके। तो बच्चों आज के सेशन में हम इतना ही पढ़ते हैं, आगे स्टोरी में क्या होता है दिस वी विल फाइंड आउट इन द नेक्स्ट सेशन। लेट्स सी द एक्सरसाइज पार्ट एंड क्वेश्चन आंसर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर नाउ। सो लाइक ऑलवेज वी विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज ऑफ वर्ड पावर। Match the words with their meanings. Answers are given directly. तो यहाँ पे कुछ words हैं, उनको meanings के साथ match करना है। अगर आप book देखेंगे तो उसमें एक side को words लिखे हैं, एक side को meanings लिखे हैं। अलग अलग है, meanings jumbled है, तो हमने यहाँ पे आपकी आसानी के लिए directly सामने meanings लिखे हैं। So first word is symbol. Symbol का meaning है a sign used to represent something. किसी चीज को represent करने के लिए, बताने के लिए हम symbols का use करते हैं। लाइक आप ट्रैफिक सिंबल्स देखते हैं, है ना, कि स्टॉप होता है तो उसमें कैसा होता है, अगर गाड़ी जानी होती है तो कैसा होता है, ठीक है, इस तरह से। वंडर, टू वॉक स्लोली अराउंड विदाउट पर्पस, यानी कि बिना किसी उद्देश्य के
इधर उधर धीरे धीरे घूमना. स्पिरिट एन इमेजिनरी क्रिएचर विथ मैजिक पावर्स. स्पिरिट क्या होता है? स्पिरिट यानी आत्मा को कहते हैं वैसे तो एक इमेजिनरी क्रिएचर, एक काल्पनिक एक हमारा जो है क्रिएचर है जिसमें कि जादुई शक्तियां होती हैं. नेक्स्ट वर्ड इज वेजिटेशन. वेजिटेशन का मतलब है द प्लांट्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया और एनवायरमेंट. एक जगह विशेष पे जो प्लांट्स जो पौधे पेड़ पौधे मिलते हैं, है ना, जगह विशेष और एक जो एनवायरमेंट में जो मिलते हैं उसको बोलते हैं वेजिटेशन. गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग. नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी, एक शब्द में जो है जवाब देना है इसका. अ स्मॉल एरिया ऑफ स्टिल वॉटर स्पेशली वन दैट इज आर्टिफिशियल. तो एक छोटा सा एरिया, छोटा सा जो है एरिया होता है पानी का, स्टिल वॉटर. स्टिल वॉटर का मतलब ठहरा हुआ पानी. स्पेशली वन दैट इज आर्टिफिशियल, खास करके वो जो कि आर्टिफिशियल होता है, प्राकृतिक नहीं होता, तो उसको कहते हैं पूल. हमने अभी पढ़ा था ये वर्ड पूल. दैट विच इज कनेक्टेड विद गॉड, वो चीज जो भगवान से हम कनेक्ट करते हैं, है ना, भगवान से संबंधित होती है, तो वो है डिवाइन, यानी कि आध्यात्मिक, जिसको हम हिंदी में कहते हैं. अ वाइल्ड प्लांट ग्रोइंग वेयर इट इज नॉट वॉन्टेड. आप देखते होंगे कि जंगली पौधे जो है उगाते हैं इधर उधर, जहां पे उसकी जरूरत भी नहीं होती है, तो दैट इज कॉल्ड वीड. उसको क्या बोलते हैं? वीड बोलते हैं. बिहेवियर दैट शोज हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स, ऐसा व्यवहार जो कि बहुत ही जो है ऊंचा मॉरल स्टैंडर्ड्स, नैतिक व्यवहार जो करते हैं लोग, जो बहुत अच्छा बिहेवियर, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं वर्चू, यानी कि सद्गुण. नाउ कम्स द कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस. व्हाट डिड युधिष्ठिर से टू नकुल? युधिष्ठिर ने नकुल से क्या कहा? युधिष्ठिर सेड टू नकुल टू क्लाइंब द ट्री एंड लुक ऑल ओवर द फॉरेस्ट एंड सी इफ वॉटर वॉज नियर. तो युधिष्ठिर ने नकुल से कहा कि पेड़ पर चढ़ जाए और चारों तरफ देखे जंगल में कि अगर कहीं आसपास पानी हो. What did the voice from pond say? जो तालाब था उसमें से आवाज आई, जो उसने क्या कहा? The voice said not to drink the water. उसने कहा कि पानी ना पिए, पानी पीने को मना किया. Before the conditions for drinking water from the pool are fulfilled. यानी कि पानी तब तक ना पिए जब तक कि drinking water from the pool are conditions. Conditions का मतलब क्या है कि जो शर्त होती है. पानी पीने के पहले कुछ शर्तें थी जो माननी थी, तो वो जब तक पूरी नहीं हो जाती तो वो पानी ना पिए, ऐसा उस आवाज ने कहा. नकुल पे ही टू द वॉइस, क्या उस आवाज की तरफ नकुल ने कोई ध्यान दिया? नो, नकुल डिड नॉट पे एनी ही टू द वॉइस. तो नहीं, नकुल ने उस आवाज की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया. हीड यानी कि ध्यान देना. व्हाट वर द क्वेश्चंस पुट अप बाय यक्ष? मेंशन एट लीस्ट फोर. तो हम आगे पढ़ेंगे स्टोरी में कि यक्ष जो है बहुत सारे क्वेश्चंस करता है, तो यहाँ पे चार क्वेश्चंस बताने हैं कम से कम. यक्ष आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चंस. तो यक्ष ने कौन से क्वेश्चंस पूछे? विच इज द बेस्ट रोड टू हेवन. हेवन यानी कि स्वर्ग. स्वर्ग के लिए सबसे अच्छी रोड कौन सी है? विच इज द वर्स्ट एनिमी ऑफ मैन. इंसान का सबसे बुरा शत्रु कौन सा है? व्हाट इज द वे टू बी हैप्पी? खुश रहने का क्या तरीका है, क्या रास्ता है? हु इज द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ ऑल? और सबसे महान व्यक्ति कौन है? ये कुछ चार सवाल है हमने इसमें से लिए चैप्टर में से. विच इज द बेस्ट ऑफ ऑल वर्चूज? कौन सा सद्गुण सबसे अच्छा है सारे सद्गुणों में से? द बेस्ट वर्चू इज टू हेट नन. तो सबसे अच्छा सद्गुण है कि किसी को भी नफरत ना करना. वाई डिड युधिष्ठिर विश टू गेट बैक नकुल? युधिष्ठिर ने नकुल को वापस लाना क्यों चाहा? तो देखिए आंसर, युधिष्ठिर विश टू गेट बैक नकुल बिकॉज युधिष्ठिर वॉज द सन ऑफ कुंती एंड नकुल वॉज द सन ऑफ माद्री. तो देखिए युधिष्ठिर ने ऐसा इसलिए चाहा क्योंकि युधिष्ठिर जो है वो कुंती का पुत्र था और नकुल वो माद्री का बेटा था. When they would return back after 13 years of exile, तो जब वो 13 साल के वनवास के बाद वापस लौटते, both the mothers would get at least one of her sons. तो युधिष्ठिर ने सोचा कि कम से कम दोनों माओं को उनका एक एक बेटा तो वापस मिलेगा, इसलिए उसने यक्ष से कहा कि नकुल को जिंदा कर दे. तो बच्चों आज हमने चैप्टर रीडिंग स्टार्ट की है, महाभारत की स्टोरी में से लिया गया है. आप में से कई बच्चे ये स्टोरी जानते भी होंगे, देखी भी होगी. बहुत ही बढ़िया स्टोरी है और इससे हमें कई चीजें सीखने को भी मिलेंगी. और आज जो हमने एक्सरसाइज की है वर्ड पावर कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, इसको आप साथ साथ लर्न करते रहिए. डेली लर्न करेंगे तो आपके ऊपर लोड नहीं आएगा. तो आज का सेशन यही फिनिश करती हूँ और इन द नेक्स्ट सेशन वी विल मीट सून. टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे. थैंक यू एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.